भाग दौड़ करते क्यों? हम भाग दौड़ इसलिए करते हैं कि ताकि हमें को फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन मिल जाए या हमारा गोल अचीव, हर किसी का गोल होता है गोल को अचीव करने के पीछे हम भागते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। और सबसे बड़ा फाइनेंशियल जो स्किल है जिसको हम बोल सकते हैं वित्तीय निपुणता जो है ना, वो डिपेंड इस पर करता है कि गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग, कि हम अपने गोल पोस्ट को पा जाएं जिससे कि हमें दौड़ भाग से हम बच जाएं और उसके बाद में हम वही करें जो हमारा मन करता है, ठीक है ना। बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक्सपेक्टेशन एक राइज हो जाती है कि हम रिजल्ट में जिसके कि कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे हम भूखे होकर के भागते हैं और एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा एफोर्ट लगाते जाते हैं। मतलब अगर दरवाजे के आगे पुल लिखा हुआ है तो हम उसको पुश करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं, पुश करते जाते हैं, मतलब राइट डायरेक्शन में हम कोई भी काम नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस होता है जब आपको मोर एंड मोर एंड मोर की आवश्यकता जगती जाती है, जैसे मोर मनी, मोर पावर, मोर प्रेस्टिजियस, एम्बिशियस, मतलब आप बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, डाउन हो जाता है। एट एनी कास्ट आप क्या करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने गोल पोस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन आप याद रखिए एक स्टेप आपका आगे का बढ़ना आपके गोल पोस्ट को दो स्टेप का पीछे कर देता है। आप ऐसी मरीचिका में फंस जाते हैं, सोचते हैं मैं यहां से भागूं, यहां से आगे जाऊं, यहां से आगे जाऊं, लेकिन आप उसको कैचअप नहीं कर पाते हैं और आपका एम्बिशन जो है ना भागता जाता है, भागता जाता है, जिससे आप अपने आप को उस भट्टी में झोंक देते हैं। ऐसा रिस्क आप ले लेते हैं जो कि आपको नहीं लेना चाहिए और आप वो सब कुछ गंवा देते हैं जो आपके पास ऑलरेडी है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा वेल्थ और ज्यादा ज्यादा ईर्ष्या। अब आप ज्यादा वेल्थ के चक्कर में क्या होता है, ज्यादा ईर्ष्या आप गेन कर लेते हैं और ये सारी चीजें क्या होती हैं, आपको बहुत ज्यादा डिससेटिस्फेक्शन में ढकेल देती हैं। अब आप क्या करते हैं, लोगों से अपने आप को कंपैरिजन में क्या करते हैं, उनको सरपास करने के चक्कर में आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करना शुरू करते हैं, पुशअप करना शुरू करते हैं, लेकिन वो राइट डायरेक्शन में नहीं होने से आपको क्या होता है, सफलता नहीं मिल पाती है। लाइफ इज नॉट ए फन, आपकी लाइफ को एक मजाक नहीं है, ये जर्नी है, इसको आपको एंजॉय लेते हुए आपको कंप्लीट करना चाहिए हैप्पीनेस के साथ, जिसमें आपकी खुशी हो, आपका सेटिस्फैक्शन हो और आपका रिजल्ट ऐसा मिले कि जिससे कि आप गोल ओरिएंटेड हो जाएं, ना कि आप गोल के पीछे भागने वाले हो जाएं। मेरी बात को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि हार्डेस्ट फाइनल स्किल आपकी क्या है, अपने उस गोल को अचीव करना। दूसरी चीज़ मैं आपको एक बात बता दूं, आखिर में फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन होता क्या है। फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन वो होता है कि बिना दौड़ भाग किए, बिना मेहनत किए हुए जो आपकी नीड्स हैं, जो आपके वांट्स हैं, वो आपके फुलफिल हो जाएं, यही आपका होना चाहिए। अब आपकी अगर ये नीड हो जाती, नहीं मेरे को एरोप्लेन चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मुझे अंबानी का बिला चाहिए, तो यार उसके अनुसार फिर आपको, अब वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जुवानी टास्क आपको इतना सक्षम जरूर बना देगा कि आप बिल्कुल सेटिस्फाई होकर के अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय करें, आप फालतू का रिस्क ना लें, आप अच्छे से सेटिस्फाई हो जाएं। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।